हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा ब्लॉग एंड शॉर्ट में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और आज क्या हुआ है कि स्कूल हम बच्चे लोगों को नहीं ले गए हैं क्योंकि आज बाबू लोग का तबीयत ख़राब हो गया है। आपको मेरे आवाज़ से भी पता चल गया होगा कि तबीयत ख़राब है और ठंडा इतना हो गया है कि खांसी वासी बिल्कुल सबको हो गया है। इन लोगों को देखिए तैयार किए थे, क्या हालत कर लिया है लोग। इकबाल उल बनाए थे, क्या कर ली इकबाल को, कैसे बना दी। जाओ यहाँ से, तभी सब तैयार भी कर लिए थे इन लोग। देखिए अभी ये लोग दोनों ना भाई बहन ना बिस्तर पटका पटकी कर रहे हैं लोग। ये लोग अपना ही धुन में है, तबीयत अलग ही खराब है और ये लोग का अलग बनमासी। तो इन लोग को सुबह सुबह तबीयत मतलब कितना बजे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे 6:30 बजे, फिर वैसी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए स्कूल नहीं भेजे। सुबह बहुत ठंडा भी था और थोड़ा बुखार भी बाबू को हो गया था इसीलिए। और अभी हम उन लोग पहले तैयार किए हैं, मालिश कर दिए हैं, वो लहसुन तेल होता है ना, लहसुन को पका के अच्छे से और तेल उसी से मालिश कर दी उन लोगों को, बदन को मालिश वालिश करके उन लोग को अभी खेलने दिए हैं कि थोड़ा देर खेल लेगा। और क्या होता है कि सोने के समय और खांसी ज़्यादा बढ़ जाता है, अक्सर ऐसा खांसी होता है ना, खांसी या चाहे कोई बीमारी हो अक्सर रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या होता है कि आदमी ड्यूटी जाने वाला लोग सोता है और परेशान कर देता है बहुत ज़्यादा इन लोग, सब खांस रहा था इतना ना, दोनों भाई बहन दोनों इतना खांस रहा था परेशान रात भर कर गया। मेरा भी तबीयत अभी ठीक है, अभी कपड़ा सब फीच उच कर आए हैं, अभी कपड़ा वपड़ा चेंज करके पूरा कपड़ा जितना था इन लोग का बदले हैं तो फीच पाल दिए हैं सब, क्योंकि मैं जितना होता है थोड़ा थोड़ा जो होता है मैं कपड़ा धो देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम 2-4 दिन का एक इकट्ठा करके रखेंगे तो बहुत हो जाएगा, फीसते फीसते परेशान भी हो जाएंगे। और ठंडा का समय है तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, ज़्यादा करने से फिर अपने ही आपको देखिए ठंडा लग जा रहा है। तो उन लोग को भी सब कुछ कर दिए, उन लोग का काम ख़त्म हो गया। तो मैं सोची कि ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि आपको कार्ड तो दिखाई थी, मैं कार्ड का ही रिप्लाई देने के लिए ये ब्लॉग तैयार की हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बताए हुए और ब्लॉग भी नहीं हो पाता है, जो होता है रिसेप्शन शादी ये दिखा पाया। तो अभी मैं मेन वो बता देती हूँ तो अच्छा रहेगा, बाकी और ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कार्ड आपको दिखाए थे चूज़ करने के लिए, आप लोग पता नहीं चूज़ किए हैं क्या किए हैं, जो चूज़ करने को बोले थे कार्ड और वीडियो अपलोड हुए कितने दिन हो चुका है, तो अब कार्ड हम लोग का छप भी रहा है और जो छप जाएगा वो उसके बाद दिखाएंगे कौन सा कार्ड हम लोग का छप गया है और किस में ही क्या लिखा है। तो अभी हम बता देते वो कार्ड किसके लिए था, मतलब किसकी शादी है हमारे घर। तो हमारे घर जिसकी शादी है वो है देवर की, जो हमेरा हमेशा तो देवर की शादी है, जो हमारा वीडियो हमेशा बैक कैमरा से मतलब क्या बोले कैमरा मैन बोल सकते हैं जो भी, तो ज़्यादातर बाहर में वही कैमरा करते हैं जिनको बोलते हैं हम, जो देवर है रॉकी अमित दोनों इन्हीं का नाम है। तो कार्ड में तो आपको अमित दिखेगा तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि इनका देवर का तो नाम रॉकी है तो अमित, ऐसा नहीं है। मेरे देवर का नाम दो दो नाम है, यहाँ घर में सबका ज़्यादातर दो दो ही नाम है, तो मेरा पति का भी दो ही नाम है, इनका भी दो ही नाम है, तो इनका कार्ड पर अमित रहेगा। तो उन्हीं की देवर की शादी है और टाइम अभी है फरवरी में है, एक मिनट तो गाइस अभी रुक गए थे क्योंकि फ़ोन आ गया था हस्बैंड का, तो इसीलिए कॉल आपको पता नहीं चला हुआ कॉल आ गया था तो इसीलिए मैं रुक गई थी, फिर अभी कंटिन्यू ब्लॉग कर रही हूँ। तो वही देवर की शादी है और वो भी फरवरी में है, अभी नहीं है क्योंकि जनवरी में ही रखा रहा था डेट शादी का, पर बच्चों लोग का एडमिशन हो रहा है, एग्ज़ाम है फाइनल जनवरी में ही, एग्ज़ाम में पहले ही पूछ लिए थे कि एग्ज़ाम कब से है, तो जनवरी के पहले हफ्ते के बाद ही है, मतलब 1 वीक के बाद ही एग्ज़ाम है, तो इसीलिए उसके बाद शादी रखा रहा था। तो हम बोले कि उसके बाद ही रखिए ठीक रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम रहेगा तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम पे ही ध्यान दूंगी शादी वा पे नहीं करूँगी, क्योंकि एक साल का मेहनत एग्ज़ाम रहता है तो एग्ज़ाम ही ज़रूरी है मेरे लिए। और अच्छा था कि बाद में ही रखाया, सास पूछी तो बाद में ही रखाया था। तो उसके बाद
क्या हुआ, लेट रखाया था लेट, उसके बाद तो उसके बाद भी क्या हुआ, लॉन्च बुक नहीं हो पाया, तो इसलिए फरवरी में कर दिया गया है। तो 14 तारीख को शादी है फरवरी में, पर उससे पहले बहुत सारे रस्म होते हैं, हल्दी है, तो वो सब उससे पहले ये 12-11 इस तरह करके है, लेकिन शादी 14 तारीख को है। आप लोग जानते हैं वैलेंटाइन डे है, सरस्वती पूजा है उस दिन, तो उस दिन बहुत सारे सबके घर में बहुत सारे काम वाम होंगे, तो उसी दिन रखाया है। और लॉज बाकी पहले हो रहा था तो लॉज ही नहीं खाली था, क्योंकि इतना लगन हो जाता है ना, क्या होता है अभी बीच में गैप है, तो शादी रुका है लेकिन सब बुक कर किसी में रखा होगा फरवरी में, तो और सबका एग्ज़ाम है, बच्चों लोग का तो मेन एग्ज़ाम है अभी, बड़े लोग का तो इंटर का रहता है तो थोड़ा बाद में रहता है, फरवरी या मार्च में होता है, बाकी बच्चे लोग का तो अभी जनवरी में ही है, तो हमारे दोनों ही बच्चे का जनवरी में एग्ज़ाम है, तो हम लोग इसलिए सोचे कि शॉपिंग भी सब इसी दिसंबर में ही खरीद लेंगे, क्योंकि देखिए फिर बीच में रुक जाएगा, फिर स्कूल का पढ़ाई लिखाई यही सब रहेगा, तो उसके बाद गैप होगा, तो उसके बाद और भी शॉपिंग हो, क्योंकि कपड़े लता ही नहीं खरीदाता रह जाएगा, और भी तो चीज़ खरीदना होगा ना, काम घर में और सब सामान है जो है ज़रूरत का, जिसे शादी ब्याह में लगता है, तो वो सब भी खरीदाएगा, इसलिए हम लोग बड़ा बाज़ार सोचे हैं कि इसी मतलब इसी दिसंबर में ही जाएंगे, तो और बहुत जल्द ही जाएंगे, तो आपको ब्लॉग एक एक करके देखने को मिलेगा, जो जो हम सामान खरीदेंगे वो आपको ब्लॉग में दिखाएंगे भी, अगर बाई चांस हम बाज़ार में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बाज़ार होता है भीड़ तो उतना नहीं दिखा पाएंगे, तो लेकिन मैं आपको जो खरीद लूँगी वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग करके मैं दिखाऊँगी हमेशा इसी तरह। तो यही आज मैं बताने के लिए मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बोली थी कि मैं बताऊँगी, पर इस सोची कि इंतज़ार बहुत हो गया, तो मैं बता दी कि देवर की शादी है हमारे घर, और लास्ट शादी है हमारे देवर, मेरे बाद एक और थे उनकी शादी हो चुकी है, और ये तीसरे हैं, ये लास्ट है हमारे घर का शादी, ननद का भी हो चुका है, ननद एक थी उनका भी शादी मेरे शादी से पहले हो चुका है, तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट, मेरे लिए तो फर्स्ट शादी है, और फर्स्ट और लास्ट दोनों ही समझ लीजिए मेरे घर में ये शादी है, और इसके बाद अब बच्चे लोग हमारे बड़े होंगे तब ना होगी शादी, तब तक ये लास्ट ही है, तो इसलिए आप लोगों को बोले थे कि फुल इंजॉय करेंगे, आपको भी हम बताए थे कि मैं फुल इंजॉय करूँगी, और आपको सारे रस्म भी दिखाऊंगी, और बहुत लोग भी आएंगे, तो वो सब आपको मिलाऊंगी, लोग से कौन है क्यों और कितना चीज़ है कि मैं खुद भी लोगों से नहीं जानती हूँ, जो लोग और एक्स्ट्रा शादी में आएंगे तो शायद मैं उन लोगों को भी मैं भी नहीं जानती हूँ, तो मेरे लिए फिर नए नए रहेंगे, पर आपको भी बताऊंगी कि कौन है क्या, तो और मेरी मम्मी लोग भी आएगी, तो ब्लॉग तो मज़ा आएगा, तो और ख़ास तौर की सारा रस्म हमको ही करना है, जितना शादी का रस्म है तो इस बार मैं करूँगी, तो आप लोग देखिएगा मैं कैसे करती हूँ, और इन्जॉय कीजिएगा ब्लॉग में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी आज क्या है कि बस बच्चे लोगों का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो ये ठंडा का मौसम है सबका, मेरा भी मेरा भी तबीयत वैसी ख़राब है, पर सोचिए आप सबको खुशखबरी दे दूँ, क्योंकि इंतज़ार मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं भी ज़्यादा देर कोई बात को रख नहीं पाती, जल्दी चाहती हूँ किसी ना किसी को बता दूँ, तो इसलिए बता दी कि बस सोच लीजिए मेरे कैमरामैन का है शादी है, चाहे देवर की शादी है, दोनों ही एक ही इंसान है, तो बस ये बताने के लिए ब्लॉग बनाए थे। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आप सबको और भी अच्छा ब्लॉग ले आऊँगी, और अपना साथ प्यार दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।